तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आपको फास्ट तरीके से ग्लू वॉल लगाने का 3 न्यू टेक्निक बताऊंगा। एंड गाइस आई प्रॉमिस अगर आप इन न्यू टेक्निक को अपने गेम प्ले में इंक्लूड करोगे तो उसके बाद आपका ग्लू वॉल पहले से कहीं फास्ट तरीके से लगने लगेगा। आई होप गाइस आपको वाला वीडियो पसंद आएगा एंड वाला वीडियो देखने के बाद आपका गेम प्ले में इंप्रूवमेंट होगा। तो चलो गाइस अब हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस वेलकम बैक इन अनदर क्रेजी वीडियो फॉर क्रेजी गेमर विक्की एंड मैं हूं आपका फ्रेंड क्रेजी विक्की। तो गाइस जैसे कि आज आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया, इस वीडियो में मैं आज आपको फास्ट तरीके से ग्लू वॉल लगाने का 3 न्यू टेक्निक बताऊंगा। मुझे बहुत सारे बंदे कमेंट करते रहते हैं कि फास्टली तरीके से ग्लू वॉल लगाने का टेक्निक बताओ, नया मेथड बताओ। तो गाइस मैं 3 मेथड लेके आ गया हूं। आई होप सो गाइस आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा एंड ये मेथड यूज़ करने के बाद आपका गेम प्ले में इंप्रूवमेंट होगा। तो चलो फ्रेंड्स अब हम बिना देरी के अपना टेक्निक नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इस टेक्निक में गाइस आपको कुछ इस तरीके से ग्लू वॉल लगाना है जैसा गाइस मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपने बहुत सारे प्रो प्लेयर के मोंटेज वीडियो में देखा होगा कि वो इस तरीके से ग्लू वॉल लगाते हैं ऊपर नीचे करके। ऐसा करके ग्लू वॉल लगाने से आपके ग्लू वॉल लगाने के बीच पे टाइम डिफरेंस कम हो जाता है, जिस वजह से आप कंटिन्यूसली बहुत सारे ग्लू वॉल लगा सकते हो। मुझे पता है अभी बहुत सारे बंदों को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो मैं उन्हें इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। गाइस जैसा कि आपको पता है जब भी हम कोई अपना पहला ग्लू वॉल लगाते हैं तो वो ग्लू वॉल लगाने के बाद हमारा स्क्रीन नीचे की तरफ हो जाता है, डाउन हो जाता है। एंड स्क्रीन नीचे होने के कारण ही गाइस हमें पहला ग्लू वॉल लगाने के बाद दूसरा ग्लू वॉल लगाने में टाइम लगता है। बिकॉज गाइस अगर हम दूसरा ग्लू वॉल लगाने जाएंगे उसके लिए सबसे पहले हमें अपना स्क्रीन को ऊपर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपना दूसरा ग्लू वॉल लगा पाएंगे। इसी वजह से गाइस अगर हम ऐसा करके नॉर्मल ग्लू वॉल लगाते तब हमें कंटिन्यूसली 2-3 ग्लू वॉल लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमें एक ग्लू वॉल लगाने के बाद दूसरा ग्लू वॉल लगाने के लिए अपने स्क्रीन को ऊपर करना पड़ता है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है स्क्रीन को ऊपर करने में एंड हमारा सेकंड ग्लू वॉल लेट लगता है। बट गाइस ये जो आप अभी टेक्निक मेरा स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करके ग्लू वॉल लगाते हो तब आपको अपने स्क्रीन को ऊपर करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप कंटिन्यूसली बहुत सारा ग्लू वॉल ईजिली तरीके से लगा पाओगे अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद ग्लू वॉल लगाते हो तब। तो चलो फ्रेंड्स अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि आपको किस तरीके से ऐसा ग्लू वॉल लगाना है। फ्रेंड्स टेक्निक बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप नॉर्मल ग्लू वॉल लगाते थे इस टेक्निक में भी आपको वैसे ही नॉर्मल ग्लू वॉल लगाना है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, जब आप नॉर्मल ग्लू वॉल लगाते थे तब आप स्क्रीन को ऊपर करने के लिए क्या करते थे, आप अपने थंब का यूज़ करते थे, आप अपने थंब से स्क्रीन को ऊपर करते थे। बट फ्रेंड्स यार टेक्निक में आपको क्या करना है, आपको अपने स्क्रीन को ऊपर करने के लिए अपना थंब यूज़ नहीं करना, आपको अपने फायर वाले बटन से स्क्रीन को ऊपर करना है। यानी कि फ्रेंड जैसे ही आप अपना एक ग्लू वॉल लगा लेते हो, ग्लू वॉल लगाने के बाद आपको अपने फायर वाले बटन को ऊपर की तरफ प्रेस करना है। इससे होगा क्या, आपका ग्लू वॉल भी लग जाएगा एंड आपका स्क्रीन भी साथ ही साथ ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, जिससे आपको दूसरा ग्लू वॉल लगाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है दूसरा ग्लू वॉल लगाने के लिए, आप फटाफट कंटिन्यूसली बहुत सारे ग्लू वॉल एक साथ ईजिली तरीके से लगा पाते हो। इसी वजह से गाइस आपने बहुत सारे प्रो प्लेयर को इस टेक्निक का यूज़ करके ग्लू वॉल लगाते हुए देखा होगा, बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है, बहुत ज़्यादा मस्त लगता है एंड बेनिफिट तो साथ में मिलता ही है। ये तो गाइस अभी हमने बात करी टेक्निक नंबर फर्स्ट की, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो फ्रेंड्स अब हम टेक्निक नंबर 2 की बात करते हैं। फ्रेंड्स ये जो टेक्निक अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टेक्निक को हम बोलते हैं 360 ग्लू वॉल या फिर रोटेटिंग ग्लू वॉल। फ्रेंड्स ऐसे करके ग्लू वॉल लगाने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। अगर आप ऐसा करके ग्लू वॉल लगाते हो तब आपका मूवमेंट स्पीड रुकता नहीं है, आप भागते भागते ग्लू वॉल लगा लेते हो। इससे होता क्या है, जब आपको पीछे से डैमेज पड़ता है आप काफ़ी अच्छी तरीके से पीछे वाले बंदे से फाइट ले सकती हो, क्योंकि आपके मूवमेंट स्पीड इस पर कंटिन्यूसली बनी रहती है। गाइस सपोज दैट आपको पीछे से डैमेज पड़ रहा है एंड आपको पीछे ग्लू वॉल लगाना है, तब फ्रेंड्स आप नॉर्मल कैसे ग्लू वॉल लगाते हो, आप पीछे घूमोगे उसके बाद एक ग्लू वॉल लगाओगे, उसके बाद अगर आपको बाय चांस कवर लेना पड़ेगा तब आप फिर से पीछे घूमोगे दूसरा ग्लू वॉल लगाओगे, ऐसा करके आप ग्लू वॉल लगाते हुए जाओगे। ऐसा करने से फ्रेंड्स होता क्या है, हमारा टाइम वेस्ट होता है एंड प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमें पीछे से वो बंदा मार देगा।
बट गाइस अभी जो मैंने आपको टेक्निक बताया 360 ग्लू वॉल का, अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद अपने पीछे ग्लू वॉल लगाते हो, इससे प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप अच्छी तरीके से ग्लू वॉल लगा के कवर में आ सकते हो। क्योंकि गाइस ये वाला ग्लू वॉल लगाने की टेक्निक में आप रनिंग ग्लू वॉल लगाते हो, अपने पीछे आप रनिंग करते साथ साथ ग्लू वॉल लगा सकते हो, जो आपको कवर में आने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये तो फ्रेंड्स अभी हमने बात करी 360 ग्लू वॉल के बेनिफिट के बारे में। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से 360 ग्लू वॉल लगा सकते हो, इसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। फ्रेंड्स ग्लू वॉल लगाने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। जैसा गाइस हम नॉर्मल ग्लू वॉल लगाते थे, आपको इस टेक्निक में वैसा ही नॉर्मल ग्लू वॉल लगाना है। आपको अपने लेफ्ट थंब से ग्लू वॉल वाले बटन को प्रेस करना है, अपने राइट थंब से जंप करना है, जंप करने के तुरंत बाद गाइस आपको स्क्रीन को रोटेट करना है। एंड इस बार गाइस आपको जो ग्लू वॉल लगाना रहेगा वो आपको अपने लेफ्ट फायर वाले बटन से लगाना रहेगा। इसी वजह से गाइस आपको अपने कस्टम एचयूडी में जाके लेफ्ट फायर वाला बटन ऑलवेज पे सेट कर देना है। एंड गाइस ये जो आपको मैं 360 ग्लू वॉल लगा के दिखा रहा हूँ, सब में गाइस मैंने अपना लेफ्ट फायर वाला बटन से ग्लू वॉल लगाया है। आप देख सकते हो मैं अपना राइट फायर वाला बटन टच भी नहीं कर रहा हूँ। गाइस लेफ्ट फायर वाला बटन यूज करने से होता क्या है, आपका कंट्रोल डिवाइड हो जाता है, जिस वजह से प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका ग्लू वॉल बहुत फास्ट तरीके से लगेगा। सो इसी वजह से फ्रेंड्स आपको 360 ग्लू वॉल लगाने के लिए ऑलवेज अपना लेफ्ट फायर वाले बटन का यूज़ करना है। एंड गाइस लेफ्ट फायर वाले बटन का यूज़ करने के साथ साथ आप और एक चीज़ कर सकते हो जिससे आपका 360 ग्लू वॉल फास्ट लगेगा, जो कि गाइस आप अपनी सेंसिटिविटी को मैक्सिमम कर सकते हो। फ्रेंड सेंसिटिविटी को मैक्सिमम करने से होगा क्या, आपका स्क्रीन बहुत जल्दी आगे पीछे रोटेट करेगा, जिस वजह से आप अपने पीछे बहुत जल्दी से ग्लू वॉल लगा पाओगे एंड अपने पीछे पड़ने वाले डैमेज से बच जाओगे एंड क्विकली कवर ले पाओगे। आई होप सो गाइस आपको टेक्निक नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो चलो फ्रेंड्स अब हम टेक्निक नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेक्निक है। यस गाइस आपने एकदम सही देखा, सिट अप ग्लू वॉल। नाम थोड़ा सा अजीब सा बट गाइस वाला टेक्निक बहुत ही अच्छा है। आपने बहुत सारे पीसी प्लेयर को ऐसा ग्लू वॉल लगाते हुए देखा होगा, जैसा गाइस अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वो ग्लू वॉल लगाने से पहले बैठ जाते हैं जिससे उनको पड़ने वाला डैमेज थोड़ा कम पड़ता है। एंड जो बंदा ज़्यादा 1v1 खेलता है उसको गाइस आपने ऐसा सिटअप ग्लू वॉल लगाते हुए देखा होगा। अधिकतर ये पीसी प्लेयर ही लगाते हैं, मोबाइल प्लेयर नहीं लगा पाते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पाता इतना सारा चीज़ एक ही बार में कर पाना। ग्लू वॉल भी पकड़ो, ड्रैग भी करो, बैठो भी, फिर ग्लू वॉल लगा भी दो, ऐसा हमारे 2 फिंगर से पॉसिबल नहीं होता। बट फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में बेस्ट पॉसिबल सेटिंग बताऊंगा जिससे आप ऐसा सिटअप ग्लू वॉल लगा पाओगे एंड आप 1v1 में अच्छा खासा प्रदर्शन कर पाओगे। सिटअप ग्लू वॉल लगाने से पहले फ्रेंड्स आपको अपने कस्टम एचयूडी में जाके आपका जो लेफ्ट फायर वाला बटन होता है उसे ऑलवेज पे सेट कर देना है। जैसे अभी हमने गाइस 360 ग्लू वॉल में करा था, लेफ्ट फायर वाला बटन यूज़ करके ग्लू वॉल लगाया था, वैसे ही गाइस आपको इसमें भी अपना लेफ्ट फायर वाला बटन यूज़ करके ही ग्लू वॉल लगाना है। फ्रेंड्स सिटअप ग्लू वॉल लगाने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट गाइस अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे 10-15 मिनट तक, तब आप सिटअप ग्लू वॉल लगाना सीख जाओगे। सिटअप ग्लू वॉल लगाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट थंब से ग्लू वॉल वाले बटन को प्रेस करना है। जैसे ही गाइस आप अपने ग्लू वॉल वाले बटन को प्रेस करते हो लेफ्ट थंब से, उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने राइट थंब से स्क्रीन को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जैसे ही गाइस आप अपने स्क्रीन को नीचे की तरफ ड्रैग करते हो, ड्रैग करते साथ ही आपको अपने राइट थंब से बैठने वाले बटन को प्रेस करना है। जैसे ही गाइस आप अपने बैठने वाले बटन को प्रेस करोगे, उसके बाद गाइस आपको फिर से अपने लेफ्ट थंब पे जाना है। लेफ्ट थंब पे जाने के बाद आपको अपना ग्लू वॉल वाला बटन प्रेस करना है। एंड गाइस ये जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ये सब प्रोसेस गाइस जब आप फास्टली तरीके से करोगे तभी आपका सिटअप ग्लू वॉल लगेगा, अदरवाइज आपका सिटअप ग्लू वॉल नहीं लगेगा। आई नो गाइज सिटअप ग्लू वॉल का कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट गाइज आई प्रॉमिस अगर आप सिटअप ग्लू वॉल के कॉन्सेप्ट को किसी ऐसे कस्टम रूम में जाकर प्रैक्टिस करते हो जहाँ पे आपको अनलिमिटेड एमो मिलता है, तब फ्रेंड्स आप देखना आपको सिटअप ग्लू वॉल लगाने के लिए ओनली 1 या फिर 2 मिनट लगेंगे एंड आप सिटअप ग्लू वॉल लगाना सीख जाओगे। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट गाइज जब आप इसे अपने गेम प्ले में इंक्लूड करोगे तब गाइज आपका सिटअप ग्लू वॉल बहुत ईजी तरीके से लगेगा। आई होप सो गाइस मैं आपको इस वीडियो में जो ग्लू वॉल लगाने का टेक्निक समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगला वीडियो देखने के बाद आपको अगर गाइस थोड़ा सा भी हेल्पफुल मिलता है, थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं अपने चैनल पे फ्री फायर गेम से रिलेटेड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। एंड अगर हो सके तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं फ्यूचर में आप तक ऐसे वीडियो पहुंचाते रहूं। बाय बाय ऑल, लव यू, टेक केयर गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।